हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण ऑटो टेक्निकल में आपका स्वागत है। हमारे गैराज पे एक ऑटो आई है जो रात में लाइट ऑन करने को चलाने पे 1 घंटे बाद बैटरी लो हो जाती थी और सेल्फ नहीं लगता था उसमें। और आइए आपको बताते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें अपने मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। कराने के बाद हमें कॉइल के वायर पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये हमारे वायर हैं कॉइल के, एक बार पे टच करना है, दूसरे पे टच करना है। ये देखो जो हमारी आवाज़ आ रही है कंटिन्यूटी की, मीटर पर दिखाओ आवाज़ आ रही है, तो मतलब हमारा ये वायर रुक के है। अब इसी तरह हमें दूसरे वायर पे टच कर लगाना है और एक बार दूसरे पे टच करना है। देखो हमारी बीपी आवाज़ आ रही है मल्टीमीटर में। इसी तरह हमें तीसरे वायर पे चेक करके इसके में लगाना है। इसका मतलब बीप कर रही है, इसमें हमारी कॉइल बिल्कुल एकदम ओके है, कॉइल का कोई वायर नहीं टूटा है हमारा। अब चलिए आपको आगे चलते हैं, चलिए गाड़ी को हम स्टार्ट करके देखते हैं। अब हमें अपना चार्जर कैसे चेक करें। सबसे पहले हमें मल्टीमीटर लेना है और इसको हम 20 वोल्ट पे सेट करना है। 20 वोल्ट पे पहले तो हमें अपनी बैटरी का वोल्टेज चेक करना है। एक को हमें लाल वाला हमें प्लस पे लगाना है और दूसरा काला वाला हमें माइनस पे लगाना है। मल्टीमीटर में दिखाओ बैटरी अभी मेरी बिल्कुल ओके है। अब स्टार्ट करो। दोस्तों आपने देखा कि हमारी रीडिंग 13 के ऊपर जा रही थी, इसका मतलब हमारा चार्जर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं इसमें क्या है। हमारी कॉइल भी सही है और चार्जर सही है, फिर भी हमारी बैटरी क्यों लो हो रही है। चलते हैं अब सबसे पहले अपनी कवर खोलते हैं, एलईडी को चेक करते हैं। खोलो ये भी खोलो। दोस्तों मेरे कवर ऑन हो चुके हैं, अब हम इसके हम हेडलाइट बल्ब चेक करेंगे। खोलो, वो भी खोलो, वो दोनों खोलो। बल्ब निकालो दोनों के। इसका भी निकालो। दोस्तों ये प्रॉब्लम है, इसमें बल्ब डलना चाहिए 35-35 का, देख रहे हो इसमें 12 वोल्ट 45 वोल्ट 40 का डला हुआ है इसमें। इस वजह से हमारी बैटरी लो हो जा रही थी, क्योंकि इसमें बल्ब डलना चाहिए 35/35 वाला। इस वजह से हमारी बैटरी सुबह लो हो जा रही थी और चलने में भी 1 घंटे के बाद लो हो जाती थी। ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।